نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهد فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي سالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اخر الحديث كتاب الله واخر الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الامور مهدساتها وكل مدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولا أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون श्रजिम मेरे बुजुर्गों दोस्तों मैंने आपके सामने कुरान का एक आयत पेश किया है जिस आयत में अल्लाह फरमाते हैं है वाला वाल नबूल शाही मीखी वजु व नीनामौली वीसमत यानी ज़रूर बिल ज़रूर हम तुमको आज़माएंगे किससे से खौफ से जो और भूख से और किस से? तुम्हारा माल को हम कम कर देंगे और तुम्हारा जान जान, जान में कम कर देंगे कुत कम कर देंगे बीमारी बीमारी लाइक कर देंगे तुम्हारे जिसम में और तुम्हारे बागात में फल कम कर देंगे हम ऐसा करके हम बहुत से मुसीबत तुमको को देंगे हम अल्लाह फरमाते है कि हम तुमको मुख्तलिफ़ मुसीबत में बालाओं में फंसाएंगे एक नहीं अल्लाह तला सबसे पहले खौफ का जिक्र किया खौफ या डर मुख्तलिफ डर में फंसाएंगे दुश्मन दुश्मन का डर खाना का डर नौकरी का डर मुख्तलिफ किस्म का डर में फंसा देंगे तो अल्लाह ताला फरमत है ऐसा करके हम क्या करेंगे तुम्हारे इम्तहान लेंगे मेरे दोस्तों इससे ये पता चलता है अल्लाह की इस फरमान से ये पता चलता है कि अल्लाह तबरक तला इस दुनिया में जितना इंसान भेजा है सबका का इम्तहान लिया है और क्या मत ताक जितना इंसान आएंगे इस, इस धरती में इस दुनिया में सबके इम्तहान लेंगे चाहे वो काले हो गोरे हो लंबा हो छोटा हो मुस्लिम हो गायल मुस्लिम हो कोई भी हो हर इंसान का अल्लाह तबरक ताला क्या करेंगे इम्तहान लेंगे तो मेरे दोस्तों जितना मुसीबत आता है इंसान इन, के ज़िंदगी में इंसान के ऊपर जितना मुसीबत आता है बाला आता है इसका मतलब यह है अल्लाह की तरफ से आता है और अल्लाह तबरक ताला हर इंसान के ज़िंदगी में उसकी तकदीर में जो कुछ लेखा है वही हो रहा है वही होगा लहजा अल्लाह की ये आजमाइश में बहुत से आदमी फेल हो जाते हैं क्योंकि हमको दिखाई देता है इस दुनिया में हर साल कम से कम दस से पंद्रह हज़ार आदमी बाला मुसीबत में बाला मुसीबत से तंग आकर क्या करते हैं खुद का शिकार लेते हैं बाला मुसीबत से तंग आकर क्या करते हैं खुद का शिकार लेते हैं इसका मतलब यह है अल्लाह जो एमतन करना चाहते हैं उसमें वो फेल हो जाता है और एक क्यों होता है इसलिए कि के उनका ईमान मुकम्मल नहीं अल्लाह के ऊपर अगर मुकम्मल ईमान होता तो कभी भी बाला मुसीबत से तंग आकर कोई गलत कदम नहीं करते कैसे नहीं करते तो मेरे दोस्तों हमको क्या करना चाहिए चाहे जिंदगी में कितना मुसीबत आए कितना बाल आए हमको हर हाल में मुसीबत के घेराव में रहते हुए भी अल्लाह ताला की तकदीर पर हमको रजामंदी रहना चाहिए चाहे मुसीबत कितना बड़ा हो कितना बाला हो हर हाल में हमको अल्लाह की तकदीर तो पर खुश रहना चाहिए अगर हम खुश रहेंगे तो क्या होगा अल्लाह ताला फरमाता है अब शरी साबर सबर करने वालों को खुशखबरी दो दुनिया में भी खुशखबरी है आखिरत में भी क्यों क्या अल्लाह तला फर्माते इन्ना माल उस रेस रो इना माल उस रेस यानी टोंगी के साथ ही क्या है आसानी है तुंगी के साथ आसानी है इसका मतलब यह है एक आदमी जिंदगी भर तुंगी में नहीं रहेंगे अल्लाह तब्रकला जो टुंगी लाते हैं इंसान की जिंदगी में सैफ उसको आजमाने के लिए लाते हैं अगर हर हाल में अल्लाह पर खुश हो जाए कि अल्लाह तला मुझे इस हालत में रखा इस इस खराब हालत में रखा फिर भी मैं अल्लाह के शुक्र अदा करता हूँ तो अल्लाह खुश आ जाएंगे उसका तुंग तो दूर कर देगा अल्लाह तब मेरे दोस्तों तो हमको क्या करना चाहिए अल्लाह की अल्लाह की, की ही पर खुश रहना चाहिए जो अरकान ईमान में, आरकान में से एक अरकान है साथ है इसमें सात अरकान है इस ईमान का अल्लाह पर ईमान लाना हाँ, रसूलों पर ईमान लाना आसमानी किताबों पर ईमान लाना फरिश्ता पर ईमान लाना और अल्लाह की लिखी हुई तकदीर चाहे अच्छा हो या बुरी हो उस पर ईमान लाना यह भी एक ईमान का अरकान है अगर आप तकदीर पर ईमान नहीं लाएंगे तो आपका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक आप अच्छी और बुरी तकदीर पर ये मान नहीं लाएंगे तो किस्म का है भाई एक है अच्छा तो यानी आपका जिंदगी जिंदगी में सब अच्छा हो रहा है आप जो चाहते हो वही होता है कोई बुरी नहीं है अलहमदिल्ला आराम आयश में रहते हो ये अच्छा तो है भाई या अल्लाह ने लिख दिया आपका ज़िंदगी में इसलिए ऐसा हो रहा है और दूसरे भाई का ज़िंदगी में खराबी खराबी है बीमारी आती है उसके घर में उसके बीवी में वो कोई भी बिज़नेस करता है तो ठप हो जाता है बिज़नेस ठप हो जाता है बिज़नेस चलता नहीं है कोई भी काम में हाथ बटाए हाथ लगाए वो काम खराब हो जाता है ये है बुरी तकदीर तो मेरे दोस्तों ये भी अल्लाह की लिख के हुई है अल्लाह ने लेख दिया इस ऐसा इसका ज़िंदगी हमेशा हो रहा है तो आ, उसको भी उस पर खुश रहना चाहिए कि अल्लाह मेरा ज़िंदगी ऐसा लिख दिया अल्लाह का अगर ऐसा मर्जी है अल्लाह अगर আমার তসদির খারাপ করল কো খুশি মহসুস আই তো আমি খুশ আগার এসে আজহার জাহর করোগে তো আল্লাহ ফরমাত হ্যাঁ বহুত আচ্ছা আদমি আর খুশখবরি দে ঠিক মেরে দু তো সেই আব্দুল ইবন উমর তিন ফরমাত ইসান জিন্দিপর নমাজ পড়ে জিন্দগি পর রোজা রাখে तमाम अच्छा काम करे माँ गारो तो दिल पर तो को कोई इनकार करता है तो वो जहान नामी है वह क्या है जहान नामी है जहान नाम में जाएंगे इसका मतलब यह है तो दिल को इनकार करना जहां नाम में जाने जाना जाए तो मेरे दोस्तों इंसान की जिंदगी में कभी कभी ऐसा हालत बन जाता है वो चाहता नहीं है अचानक उसके ज़िंदगी में कोई मुसीबत आ जाता है मियाँ अभी बहुत खुश है लोग में तालाक हो जाता है इसका हमें ही है, यानी हम जो नहीं चाहते वही हो जाता है ये ज़िंदगी में उसका नाम तोकदिर है तो हमको क्या करना चाहिए उसको ये समझ के मान लेना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे ज़िंदगी में ले हमारे तकदिर में हमारी किस्मत में लेख दिया है इसलिए ऐसा हो रहा है ठीक है मेरे दोस्तों हम क्या करेंगे तो दिल पर हमेशा खुश रहेंगे हमारा ज़िंदगी में जो भी हो हम समझें कि अल्लाह के मर्जी से हो रहा है अल्लाह के मर्जी के अलावा कोई पत्थर नहीं हिल सकता लिहाजा अल्लाह के मर्जी से हो रहा है सब कुछ ये समझ कर हम क्या करेंगे उस पर खुश रहेंगे हादिस में यह आया है ने फरमाया वो अगर जिना करता है उसका तकजीब तो में लगता हुआ था क्यों जिना करेंगे तो ऐसा हो रहा है वो जिना किया जिसके ज़िंदगी में जितना लेखा के उस, उसने ज़िंदगी में इतना बस जीना करेगा वो इतना बस जीना होगा उस दुनिया में तो फिर मैं अल्लाह ने जैसा दिया वैसा होगा ठीक है मेरे दोस्तों तो हमको क्या करना चाहिए तो दिल को मान लेना चाहिए अगर मान लेंगे तो अल्लाह तब्रक खुश हो जाएंगे मेरे दोस्तों एक बात है तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है इंसान हर इंसान को मुसीबत भाला मुसीबत आता है ज़िंदगी में हर इंसान को बड़ा मुसीबत आता है ज़िंदगी में तो हम कभी भी नहीं टूटेंगे ये समझ करके हमको इतना बड़ा मुसीबत क्यों आता है क्यों आता है कभी नहीं टूटेंगे कभी खुदकशी नहीं करेंगे ठीक है भाई ये एक बात है अगर अल्लाह के फैसला मान लोगे तो दुनिया भी दुनिया भी अच्छा होगा आखिरत भी अच्छा होगा मेरे दोस्तों आप माए दूसरी इंसान की सबसे ज़रूरत है दुनिया में क्या है रोजी रोटी ये रोजी रोटी के लिए इंसान परेशान है और रोजी रोटी कमाने के लिए सब कुछ करते वो हलाल हराम नहीं देखते हलाल हराम नहीं देखते उसको सर पैसा होना चाहिए रातों रात, रात करोड़पति बनना चाहिए पैसा की जरूरत है मेरे दोस्तों आप कितना कोशिश कर लो आपको इतना ही मिलेंगे जितना अल्लाह चाहेंगे जितना अल्लाह चाहेंगे ऐतना ही आपको मिलेंगे क्यों अल्लाह कुरान में फरमाता है देखो क्या फरता क्या फरमाता अल्लाह तबर तारा माँ उरीदू मीन हो माए मा उनसे रूजी नहीं चाहता और ना चाहता वो मुझे खिलाए पिलाए अल्लाह oh, फरमाते हैं कि माए इंसान से रूजी चाहता नहीं और यह भी नहीं चाहता इंसान मुझे खिलाए पिलाए बोल ان الله هو الرزاق ذو القوات المتين الله رزق دینے والا ذو القوات أو سب سے بڑا قوت والے ہے طاقت والے ہے متين اور زبردست ہے اللہ تبارک تعالی تو اس سے پتہ چل گیا اللہ روزی دینا روزی والا کون ہے بھائی وما من في الارض الا الله رِزْقُهَا जमीन में ऐसा कोई जानदार नहीं है जिसका रोजी की जिम्मा अल्लाह ने नहीं लिया हो इस जमीन में जितना जानदार है सबकी रोजी की, की जिम्मेदारी अल्लाह पर है अल्लाह सबको खिलाता है पिलाता है अल्लाह सबकी जिम्मा ले ले रखे है अरे हम तो इंसान है भाई हम कितना खाते है इतना खाते है जंगल में हाथी है गंडार है बालूक है चीता है और क्या किया है वो कितना खाता है हमसे कितना खाता है क्या वो कोई काम आता है उनका कोई दुकान है बिजनेस है कुछ है कुछ नहीं है अल्लाह उनको खिलाता है पिलाता है वो भी हमसे ज़्यादा खिलाता है पिलाता है समुद्र में मछली है वो मछली एक एक मछली कितना बड़ा है एक साथ में कितना खाना की जरूरत है आप बताओ क्या समुद्र के अंदर यह है वो या चा, चा या चास करता है आ? उधर में कोई बिजनेस है उधर में कुछ है तो कौन खिलाता है अल्लाह खिलाता है उन लोगों को अल्लाह खिलाता है तो अल्लाह तला इसे समझ लो कि अल्लाह रोजी देने वाला ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है अल्लाह के अला कोई नहीं है लेकिन आज हम क्या करते हैं ये रोजी के लिए एक तो अल्लाह को छोड़ देते हैं अल्लाह को छोड़ के कोई मजारों में कोई दाता बाबा के पास कोई इसके पास उसके पास जाके मांगते रोजी मांगते हैं हमको रोजी दो कितना बड़ा शर्क है हाँ

वो लोग जो अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत करते हैं लाएम लिखुन रकम रिज़ा याद रखो ये तुम्हारे रजिक के मालिक नहीं है अल्लाह के अलावा हम हाँ जिसकी इबादत करते हैं मूर्ति की इबादत करते हैं कोई मूर्ति की इबादत करता है कोई कोबर का कोई माजर का इबादत करता है और उनसे रोजी मांगता है तो आला फरमाते ये तुम्हारे रोजी का मालिक नहीं है बल्कि फाफा को इंदी रिज़ा अल्लाह के पास रोजी मांगो अल्लाह बोलते हैं इधर में আল্লাহ কে পা রুজি মানগো ও বুদ্ধ কি করো ও শক্রুল্লা হু আর কি শক্র আদা করো আল্লাহ তালী আয়াতমা দিয়ে রুজি কধার সে মানা চাই আল্লাহ বোলা কালকে রুজি মানগো কোক আল্লাহ কে আলা দুনিয়া জিত না পুজা কি যা বহু সে মাজাহাব এক এক মাজাহ এক চিজ কী পুজা করতে হয় तो अल्लाह फर्माता है जो अल्लाह के अलावा जितना पूजा किया जाता है जितना मजा है जिसकी पूजा किया जाता है तो उनके पास रुजी नहीं है वो किसी को रुजी नहीं दे सकता रुजी सिर्फ दे सकता अल्लाह तो उस अल्लाह से रुजी मांगो अल्लाह से रोजी मांगो अल्लाह ताला इस आयत में ये दिया है अल्लाह इस आयत में हुक्म देते हैं कि तुम रोजी के लिए क्या करो दुनिया में फैल जाओ फ़ायदा कुछरती सलादी जब नमाज अदा हो जाए क्या करो जमीन में फैल जाओ अब तक फजल्ला और अल्लाह के फजल यानी रोजी को ढूंढो तलाश करो वह कर और अल्लाह के ज्यादा से ज्यादा क्या करो जिक्र करो लाल ला तुफली होन ताकि तुम कामयाब बन जाओ ताकि तुम क्या हो जाओ कामयाब बन जाओ मेरे दोस्तों तो अल्लाह तब तब्र तला फरमाते मैं ही रुजी देना वाला हूँ इस दुनिया में मेरे सेवा कोई रुजी नहीं दे सकता तो हमको रुजी की ज़रूरत है तो हमको क्या करना चाहिए रुजी अल्लाह से मांगना चाहिए अल्लाह से मांगो हालाल लाल रुजी मांगो अल्लाह से तो अल्लाह इनशाला देंगे और अल्लाह इसके लिए क्या फरमाया उसूल रखा है जब नमाज़ अदा हो जाए दुनिया में फैल जाओ जमीन में फैल जाओ और अल्लाह की रोजी तुम्हारा क्या करो ढूंढो यहाँ यह नमाज रखा है मेरे दोस्तों कोई भी मुसीबत कोई भी बला दूर करने के लिए चाहे और रोजी रोटी का भी हो तो सबसे पहले क्या करो दो आकाश नमाज पढ़ो नमाज ऐसा नहीं पढ़ना खट 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 करके पढ़ो बहुत मोहब्बत से पढ़ो दिल लगा के पढ़ो अच्छा तरीका से पढ़ो হ্যাঁ পড়ক আল্লাহ করো ইনশাল্লা মাই গারটি দেব হায়েগে তুম আল্লাহ সে মানগোগে ইনশাল্লা মিল যায় শর্ত সেরক এক ইখলা সাথ মাই নমাজ পড়ুগা আল্লাহকে পড়ে গে আল্লাহকে পড়েন করকে তুমত করো ইনশাল্লা তোমার হর দোয়া আল্লাহ কবুল করলেন আরে হয় হালাল খানা হয় হামনে খা মোটা দু आप बता दो मेरे दोस्त आप चाहे दुनिया में कामयाबी हासिल करना चाहो चाहे आखिरत की कामयाबी हासिल करना चाहो शर्त तो एक है आपको हालाल खाना पड़ेगा अगर हराम खाया आपने ना दुनिया होगा ना आखिरत होगा कुछ नहीं होगा आपका सब बर्बाद हो जाएगा हालाल जब तक ना खाओगे ना दुनिया बनेंगे ना आखिरत बनेंगे कुछ नहीं बनेगा तुम्हारा सब बर्बाद हो जाएगा इसलिए मैं बोलता हूं हालाल खाओ हराम से दूर रहो इस इसके बारे में अल्लाह त्यादुल बात राजा ना कुम वास्कुर इनकुन तुम ईहुताबुदून ऐ मानोलो अगर तुम अल्लाह की इबादत करने वाले हो तो तुम वो पाकिजा चीज खाओ जो मैंने तुमको दिया है अल्लाह फरमाते है अरे ये मानो लो अगर तुम अल्लाह की इबादत करना चाहते हो तो तुम वो हलाल चीजें खाओ जो मैंने तुमको दिया है जमीन में इससे क्या क्या इसका मुराद क्या है इसका मुराद दिया है अल्लाह की इबादत सिर्फ तभी तो कबूल होगा जब तुम तो हलाल खाओगे अच्छा चीज खाओगे

कौन चीज़ तुम्हारे लिए अच्छा है और कौन चीज़ खराब है तुम्हारे लिए इसलिए अल्लाह ने फौर दिया हर चीज़ मत खाओ हर चीज़ खाओगे तुम्हारे लिए खराब ही होगा देखो चाइना में क्या हुआ कोरोना वायरस आ गया क्यों आ गया मेरे दोस्तों इसको वजह किया है यही है हराम हलाल वो वास्तव नहीं है हराम भी खाता है हलाल भी खाता है कुत्ते खाते हैं बिल्ली खाता है सुअर खाता है इंसान खाता है हाउ ना जान क्या क्या खाता है ये लोग जो आ सब खा लेता है और इसलिए अल्लाह तब्रक ऐसा बीमारी फैल दिया है मगर उस चाइना में देखो युगुर मुस्लिम है उनको ये बीमारी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह उनको वो बीमारी नहीं हुआ इसलिए चाइना का प्रेसिडेंट है ना और वह मुसलमान सब घूमता है आपने देखा होगा फेसबुक में घूमता रहता है आप देखता है उनका खाना आता सब उठा के देखता है अरे भाई तुम लोग क्या खाते हो क्या पकाया हो तुम खाते हो तुम्हारा कुछ नहीं होता और हमारे आदमी का हो जाता है ये सब बीमारी क्या बात है बात यही है कि मुस्लिम अल्लाह के हुम पर चलते हैं वो हलाल खाते हैं इसलिए इनको बीमारी नहीं होता अल्लाह की तरफ से अल्लाह बस आएंगे और ये लोग हराम हलाल हा, हराम सब कुछ खा लेते हैं इसलिए उनके सब बीमारी होता है मेरे दोस्तों तो हमको क्या करना चाहिए हमेशा हलाल खाना चाहिए और हराम से दूर रहना चाहिए हराम से दूर रहना चाहिए मैं तो पहले बता दिया हराम कामाई एक संगीन जुर्म है आराम कामाई संगीन जुर्म है अगर हराम कामाई करोगे हराम के रास्ता पहुँचा जाओगे तो तुम्हारा दुनिया बर्बाद होगा आखिर भी बर्बाद हो जाएगा मेरे दोस्तों माँ आपके सामने में आप कुछ हराम कमाई की तरीका बताऊंगा क्या-क्या चीज हराम है अल्लाह ताला फरमाया यह है लोग ड्रा मानो ला ताकुलो अम अलैकुम बायनाकुम बिल बातिल इल्ला अंतकुन तीजरातान अंताराद मिनकुम आईमान आलो तुम अपने आपस में क्या करो बातिल तरीका से मत खाओ बातिल तरीका से माल हासिल करके मत खाओ बल्कि तुम क्या करो बिजनेस करो आपस में रजामुंदी से करके खाओिल औतुद्ल बिहल लिता फ़ारिका मिन अमोलीस्मिन अंतुम तालामून अल्लाह में फरमाता है आओ अल्लाह क्या फरमाता है के तुम हुक्म यानि जो ऑफिसरान है उनको रिश्वत दे के तुम किसी के माल जबरदस्ती माँ छीन लो ऐसा माफ़ करो बहुत सा आ, आज हो रहा है भाई हमको चा, चाहिए उसका जो भी लेना किसी को हमने पैसे दे दिया किसी हुकुमरा को पैसा दिया पुलिस को पैसा दे दिया और उसका माल हमने हड़प लिया तो ये बिल्कुल जुलुम है और हराम है ऐसा नहीं करना चाहिए अल्लाह कुरान में मेरे दोस्तों हराम कमाई की मुख्तलिफ सूरत है हराम कमाई की सूरत है मैं कुछ पेश करेंगे आपके सामने में जैसे चोरी करना चोरी करना ये तो बहुत आम है भाई बहुत बहुत आदमी चोरी करते हैं भाई कोई मामूली चीज चोरी कर लेता है अपने कमरा में दोस्त है अहबाब है कोई फल फाकर को रख दिया है अरे ये तो मामूली चीज है दे 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 उठा के खा लेते है आ? इतना आसान है उसके इजाजत के अलावा तुम खा लेते हो इतना आसान है कभी नहीं हो सकता देखो अल्लाह त फरमाते शारिक वो सारी का तो फाख तो आई दे बीमार का सबा न कलमिन आजिदुलहकम आ चुरी करने वाले मर्द और चुरी करने वाला औरत के हाथ काट दो अल्लाह फरमाते हाथ काट दो यह बदला है उसका जो उन्होंने किया है ठीक है तो इस बार एक हाद आपके सामने में खादिस फरमाऊँ लान अल्लाह शारिकस रिखो बायदा फास्तुख्ता यादा हो और शरीक उलहबल फास्तुख़्ता यादा हो दोस्त अच्छा फरमाता है चूर पर अल्लाह की लानत हो जो एक अंडा की चोरी करता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है और एक रस्सी की चोरी करता है तो उसकी दूसरी हाथ काट दिया जाता है मेरे दोस्तों देखो इस्लाम में चोरी कितना कितना खराब चीज़ है अगर अंडा चोरी कर करे तो उसका हाथ काट दिया जाता है एक रस्सी मामूली चीज़ है रोसी मामूली चीज़ है अगर रोसी चुराए कोई पकड़ा जाए तो उसका हाथ काट दिया जाएगा दूसरा हाथ भी काट दिया जाएगा उसको तो चोरी कितना जुर्म है इस्लाम में चोरी करना कितना बड़ा जुर्म है इससे समझ लो कि अंडा चोरी करने से हाथ काट दिया काटने का हुक्म है एक रोसी काटने से अगर रोसी चोरी चोरी करने से का है उसका हाथ काटने का हुक्म है दूसरा हाथ काटने का हुक्म है ना उजबिल्ल कोई ने एक आंडा चोरी कर लिया पकड़ गया या हाथ दिया फिर वो आदमी दूसरे बार एक रोशनी चोरी कर लिया तो उसका दूसरे हाथ काटने का हुक्म है बात बात एक, एक ये बात है कि इस्लाम में चूरी करना बहुत बड़ा जुर्म है नंबर दो तुम जो चूरी किया वो हराम है वो खाओगे तो तुम्हारा आखिर भी बर्बाद हो जाएगा चोरी करोगे तो दुनिया भी बर्बाद आखिर आज भी बार, बार तुम्हारा तुम्हारा कोई क्योंकि हराम खाने, को खाने वाले के कोई की इबादत कबूल नहीं होता हराम खाने वाले के कोई दुआ कबूल नहीं होता वो अल्लाह के, अल्ला के पास कोई कीमत नहीं है हराम खाने वाले का अल्लाह के पास कोई कीमत नहीं है चाहे दुनिया में कितना बड़ा दरवेश हो कितना बड़ा नामजी हो रोजादार हो कुछ भी हो लेकिन अल्लाह के पास जुर्म बहुत बड़ा जालिम है इसलिए हम क्या करेंगे हराम नहीं खाएंगे और हराम खाने में से क्या है चुरी करना ही दूसरा है डाका जानी डाकू डाकू डालना है। चाहे रोड पे रास्ता पे किसी को घेर के छीन लेना या किसी के घर में घुस के अपना या के पिस्टल दिखा के छुरी दिखा के तमाम लूट लेना किसी करके भी अगर डाकू जानी करके इंसान की दौलत ले ले, पैसा ले ले, रुपया ले ले, तो वो भी हराम है हराम है और उसका हुकुम क्या है डाकू का जो डाकू है उसका क्या हुक्म है इस्लाम में उसका हुकुम इनामा जजा उल्लिन हरिब्ल और वैसा फिलाफ़ एफा मिनि जल फिजुनफी दुनिया फिलाज़ीम अल्ला फ़ोर्म है देश में डाकू जो डाकू है ना जो लूट लेते इंसान की आप भाई शरीफ लूट नहीं लेता हमारे मुलुक में ऐसा है हारमी लूटने से पहले मारता है बहुत पिटाता है ऐसा मार मारता है ना है, ट्रेनों में बसों में इधर उधर में घुस के घर में घुस के बहुत पिटाता है मार मार के उसका हड्डी तोड़ देता है फिर उसके घर के तमाम सामान लेके जाता है कितना बड़ा जालिम है तो उसका उसका इस्लाम में उसका क्या है साझा है अल्लाह इस आयत में फरमा दिया है क्या उसका क्या करो ऐसा डाकुओं को पाकरो उसके एक हाथ कर दो एक पाकार उसको एक हाथ काट दो दाया हाथ कर दिया तो दया पा कर दो ऐसा करके उसका बुरी तरह तो से उसको मारो अला फरमाता है जालिका की दुनिया ये तो दुनिया का जिल्लती है उनके लिए अलाम फिला आखिरत आजबीम और आज, आखिरत में उसके लिए और उससे भी बहुत बड़ा आजब है जो डाकू है लोगों के पैसा छीन लेता है उनका तो ये आजाब दुनिया में है सिर्फ कि उनका हाथ पाथ काट दो काट के उसको मार दो और आखिर उससे उसके, उसके भी बहुत बड़ा आजाब इंतजार कर रहा है तो मेरे दोस्तों इस्लाम में ये बात है हराम नहीं खा सकते अगर हारम खाओगे इस तरीका से तो तुम्हारा तो तो दुनिया भी बर्बाद आखिर भी बर्बाद हो जाएगा और तीसरा जुआ खेलना बाज लोग जो जुआ खेलकर पैसा कमाते हैं, तो जुआ खेलकर पैसा कमाना ये भी क्या है हराम में है हा जुआ खेलने का बहुत से तरीके तो इजाद हो गया एक तो लॉटरी का टिकट काटा जाता है रातों रात, रात करोड़पति बनने के लिए लॉटरी का टिकट काटते हैं और दूसरा क्या करता है कोई क्लब में कोई घर में बैठ के ताश खेलते हैं ताश से क्या करते हैं जुआ लगाते हैं इससे क्या होता है एक आदमी जीतता है और चार पास हार जाता है एक साथ में तो ये हराम है बिल्कुल भाई जुआ का क्या कोई भी तरीका तो हो कोई भी तरीका तो हो जुआ का ये इस्लाम में हराम है। उससे जो पैसा मिलता है वो हराम कमाई है अगर ऐसा हराम खाओगे तो तुम्हारा दुनिया बर्बाद -बर, आखिरत बर्बाद -बर हो जाएगा तुम्हारा आखिरा बिल्कुल बर्बाद है क्यों अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी हराम खाएगा हराम कमाएगा तो उसके लिए जानना हराम है उसका बदन का गुस्त तो तो सब हराम हो जाएगा तो हराम लेके कैसे तुम जन्नत में जाओगे इसलिए हमको इससे बांसना चाहिए मेरे दोस्तों तो ज्वाल नहीं खेलना चाहिए ठीक है और चौथा है सूदी लेन देन आज दुनिया में सूद ऐसा आदमी खाते हैं है ना आदमी ऐसा सूद खाते खाते हैं कि ऐसे जो नाउजुबिल्ला ना जबिल्ला इसका हालत समझ लिया है हमारे गांव में हम हमारे इलाका में ऐसा अगर किसी का तलाक हो जाए तो वो उसको सूद खाना ऐसा हो गया कि हालत हो गया अगर पूछता है तुम क्यों सूद खाती हो बोलता हमारा कोई नहीं है माँ नहीं बाप नहीं है हमारे माँ बाप गरीब है हमको तलाक दे दिया

जॉन के ऐलान है तुम्हारे लिए अगर तुम सूद नहीं छोड़ोगे सूद बाद के बात सुन लिया कुरान हदीस से कि ये हराम है तुमने सुन लिया फिर भी तुम नहीं छोड़ोगे तो याद रखो अल्लाह रसूल की तरफ से जॉन के लिए तैयार तो हो जाओ अल्लाह रसूल के लिए कौन जंग करेगा भाई अल्लाह से कोई जंग कर सकता है नहीं कर सकता है ना फलक अच्छा वही तुम तुम फलक उमैक्म अगर तुमने तोबा कर लिया तो तुम्हारे लिए असली माल है यानी समझ लो मैंने सूद में पाँच हज़ार रुपया ला गया आपको दिया सूद में पाँच हजार और ये कितना हुआ सूद आया तीन हजार तो मैंने बोला ना अक्सर तोबा कर हूँ मैं सूद नहीं खाएंगे तो सिर्फ पाँच हज़ार आप मुझे लुटाऊ तीन हजार जो बोना है वो नहीं नहीं देना पड़ेगा अल्लाह फरमत है अगर तुमने दोबा कर लिया तो तुम्हारे लिए माल है सिर्फ आंसू और सूद नहीं लो अगर ऐसा करोगे ला तुजला तुजलीमून और तुजलामून तुम ना जुलूम करो ना तुम पर जुलुम किया जाएगा अगर हम जुलुम करेंगे सूद खाएंगे तो अल्लाह भी हम जुलुम करेंगे अगर हम तो ये बात है अल्लाह फरमाती इस आयत में मेरे दोस्तों तो सूदी लेन देन ये हराम कमाई में से है हमको ये छोड़ना चाहिए छोड़ना चाहिए अगर नहीं छोड़ोगे हराम खाओगे तो तुम्हारा आखिरा बिल्कुल बर्बाद है कभी भी जन्नत नहीं जा सकते कभी भी और पांच नंबर झूठी कसम खाकर किसी के माल को तो कब्जा कर लेना झूठी कसम खाकर ऐसा है ना दुनिया में बहुत है भाई ऐसा हो रहा है भाई खा खाकर बोलता है ये ये तो मेरा है ये जायका तो मेरा है ये माल ये ये हमारा है ये है कसम खा लेते हैं सब बोलते हैं कसम जब खा लिया तो उसकी झूठ झूठ बोलेगा हो सकता है उसका ये कब्जा कर लेते हैं मागार ये कसम करके के कब्जा कर लिया ये हराम काम है मेरे भाई ऐसा नहीं करना चाहिए इस बार में खाद मन हलाफा या मिनी फाज फाज फ़ाजिलतः बिहार माल इमरत मुस्लिम लकी अल्ला गजबान यानी जो आदमी झूठी कसम खाकर किसी मुसलमान के माल को हड़प कर लेंगे तो क्या मौत के दिन वो इस हाल में अल्लाह से मिलेंगे क्या अल्लाह ताला उस पर बहुत गु़स्सा होगा बहुत वजह होगा और छह नंबर माप तौल में कमी करना माप तौल में कमी करके पैसा कमाना ये भी हराम है अल्लाह ताला फरमाता है वाइलुल मुताफीफिनल्लिजिन इदा कतालू अला الناس यस्तूफून वइदा कालूहुम अवजनम युखसिरून है बर्बाद है उन लोगों के लिए जो लोगों से लेता है पूरा पूरा वइदा कालू मवाजन युखसिरून और जब देता है तो कम करके देता है यानी लेने के टाइम में ज़्यादा लेता है और देने जब देने का बारी आता है तो क्या करता है कम देता है अगर ऐसा करता है तो उसके लिए क्या है बर्बादी है बर्बादी है मेरे दोस्तों तो माप तोल में कम करना ये भी क्या है हराम है और ये काम ज़्यादा कौन करता है जब बिजनेस मैन है वो करता है मुख्तलिफ़ चीज़ों की बिजनेस करता है तो माप तोल में कमी करता है ऐसा नहीं ये हाराम। है, करना चाहिए हराम बिल्कुल सात नंबर है कारोबार में धोखा करना कारोबार में धोखा करके कारोबार करना ये भी क्या है ये भी हराम कमाई में से है जैसे आपने कोई चीज बेचना चाहते हो कोई गल्ला बेचना चाहते हो उसमें पानी भिगा दिया पानी दे दिया डाल दे पानी डाल दिया पानी खा के फूल गया और उसको फिर फे, उसके ऊपर क्या कर दिया सूखना सूखना गल्ला डाल दिया उसके ऊपर सुखना गला डाल दिया तो ऐसा करोगे फ्रॉड है ये भाई ये फ्रॉड है इस बार में खादिस भी आई कि सलाम एक बार गुजार रहा था एक गल्ला के पास से तो आपने हाथ घुसा दिया गल्ला के अंदर तो क्या देखा ये भिगा है नमी है तो फरमाया गला वाले ये क्या है भिगा क्यों है वो बोलते यार रसोल रात में बारिश आया था इसलिए भीग गया तो ठीक है विज्ञात तुम उसको इसके ऊपर सुखना क्यों चढ़ा दिया क्यों उसके ऊपर सुखना चढ़ा दिया तुमने धोखा किया है जो धोखा करेगा वो हम हम में से नहीं तो ये बात है भाई तो कारोबार में धोखा करना भी क्या है हराम है हराम कमाई है ऐसा नहीं करना चाहिए आठ नंबर रिश्वत लेना रिश्वत लेना भाई आपने क्या किया आप अप, लायक नहीं है उस काम का फिर भी पैसा इतना पैसा दे दिया पैसा दे तो आपका नौकरी बन गया और जो लायक है उसका नहीं मिला आपको मिल गया तो ऐसा करके रिश्वत देना भी क्या है हराम है इस कमाई भी हराम है अगर कोई रिश्वत लेके नौकरी लेगा तो मैं दो लाख रुपया देता हूँ भाई मुझे ये नौकरी दे दो मेरे दोस्तों वो वो, वो नौकरी करेगा हराम खाएगा जिंदगी भर हराम खाएगा वो जिंदगी भर हराम खाएगा हमारे देश में मुल्क में अक्सर ऐसा होता है कोई आदमी को, को मिलिट्री चाकरी करना चाहिए कोई पुलिस का नौकरी करते हैं तो उधर में तो पैसा दे देता है दो लाख तीन लाख रुपया देते और नौकरी हासिल कर लेते हैं मेरे जिंदगी भर ये हराम खाएगा और हराम है ये बिल्कुल हराम ऐसा नहीं करना चाहिए जिसको अल्लाह का खौफ हो आखिरत का खौफ हो वो ऐसा नहीं करेगा ठीक है मेरे दोस्तों और मैं ठीक है मैं ان الله ان بارك الله لنا في الكرات الْعَظِيمِ وياكم بذكر حق تعالى جاو كل مالك الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهد فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد उज़बीम शहीम मेरे दोस्तों आप मैं ख़त्म कर दूँगा आपके सामने में हराम कामे की मुख्तलफ़रत आपके सामने पेश कर रहा हूँ और एक है क्या है क़र्जा लेकर ऑफिस ना करना आपने किसी से कर्जा लिया है आप ऑफिस करने का कर नाम नहीं लेते तो ये भी हराम में से है रसोलम के फैमते देखो इस इस बारे में

फिर तीसरी बार वो अल्लाह के रास्ता में शहीद हो जाए और उस पर क्या है कर्जा है तो वो जन्नत में कभी नहीं जाएगा जन्नत में कभी नहीं जाएगा तो मेरे दोस्तों देखा आपने इसलिए कर्जा लेकर हमको क्या करना चाहिए इसको चुकाना चाहिए और एक हाथ इसमें है आदमी जब मर जाता है ना उसका रूह ना वो आसमान में जाता है ना इसमें जाता है लौटक रहता है बीच में जब तक उसकी कर्जा अदा ना किया जाएगा तो यह बात है आप इसलिए हमारा इलाका में ऐसा होता है आदमी जब मर जाता है उसके लाश के सामने क्या बोलता है अगर उसका कोई कर्जा है तो भाई बता दो हम हाँ उसका अदा कर देंगे और ऐसा ऐसा बोलना ज़रूरी है ज़रूरी है क्योंकि अगर कर्जा है तो उसका कोई फायदा नहीं है तो मेरे दोस्तों आज बहुत से आदमी ऐसा है कर्जा लेता ही है इस, इसलिए कि हम देंगे नहीं हम नहीं देंगे इस नियोज़ से लेता है तो इस बारे में हादिस में है दोस्तों फरमाता है अगर कोई आदमी इस एरादा से कर्जा ले क्या मैं उसको मिटा दूंगा पैसा वापस कर दूंगा तो अल्लाह तबरक तला उसको तोहफी देता है कर्जा वापस करने के लिए और अगर कोई आदमी कर्जा इसलिए लेता है कि हम उसका पैसा वापस नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला उसकी माल को बर्बाद कर देते हैं हादिस क्या हो हादिस में है भाई अल्लाह ताला उसकी माल बर्बाद कर देते हैं तो मेरे दोस्तों ऐसा मत करो नियत ठीक रखो नियत दिल की नियत ठीक रखो जो हम कर्ज़ा लेंगे सिर्फ वापस करेंगे और एक हदीस में आई जो आदमी इस नियत से कर्जा लेंगे कि हम उसकी माल वापस कर देंगे अगर मर जाए तो क्या उसके दिन अल्लाह तबर तला उसकी कर्जा अदा कर देंगे अल्लाह उसके होके कर्जा अदा कर देंगे और उसको उल्टा है कि हम नहीं है। हम लेंगे पैसा देंगे नहीं तो वो अल्लाह ताला उसको बर्बाद करेंगे तो मेरे दोस्तों यही बात बोलना था आपके सामने में तो अल्लाह ताला हम सबको हराम खाने से हराम कमाई करने से महफूज रखे क्योंकि क्योंकि हराम पर अगर हम कायम रहेंगे हराम खाएंगे तो हमारा कोई में कोई हिस्सा नहीं है इसलिए कि हराम खाने से बदन भी हराम हो जाता है खून पसीना सब हराम हो जाता है और हराम की खून पसीना जिस बदन में होगा उसके लिए जन्नत भी हराम है जन्नत भी हराम है अल्लाह तब्रकाल हमको आप सबको और इस वीडियो जो रह, देख रहा है सबको इन शह हलाल खाने की तोफ़ी दे और हा हा हलाल कमाई करने की तोफीक दे हमारे रोटी रोजी में बरकत दे और हमारे औलाद में घर वालों में सब में बरकत दे सबको अमन में रखे अच्छा रखे खुश खुर्रम रखे

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله هي السلام